ना करो। आज हम आपको चिकन हांडी बनाना सिखाएंगे, इजी रेसिपी बताएंगे। इसके लिए हमने सिर्फ चिकन लिया है, इसको अच्छी तरह धो दिया है। सबसे पहले इसको मैरिनेशन के लिए इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, करीब 2 चम्मच। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी दही, इसके बाद डालेंगे चिली पाउडर 1 चम्मच, उसके बाद डालेंगे ऑर्गेनिक कलर, ऑरेंज कलर, उसके बाद डालेंगे हम गरम मसाले पिसे हुए करीब 1 चम्मच, उसके बाद डालेंगे इसमें सॉल्ट टेस्ट के लिए, इनको अच्छे तरह मैरिनेट कर लेंगे। इसको अच्छी तरह करीब 2 कप अब इसमें डालेंगे 1 कटे हुए प्याज, प्याज को गोल्डन, देखिए प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे, गैस को धीमा कर दिया, अब इसको हम बाहर निकालेंगे इस तरह। हमने निकाल लिया, अब इसमें हम डालेंगे ये मैरिनेटेड चिकन जो मैंने पहले से रख रखा है करीब 1/2 घंटे के लिए, अब इसको इसके अंदर डाल देंगे। ये प्याज जो हमने गोल्डन ब्राउन कर रखी है इसे इसमें डालेंगे और डालकर इसको अच्छी तरह से कूट लेंगे। ये कबाब करीब आधी हो गई, ये अच्छी तरह हो गई। अब इसे हम अपने चिकन में जो हांडी में चिकन रखा हुआ है इसके अंदर इसको डालेंगे। अब इसको अच्छी तरह मिला देंगे, और इसको ढककर छोड़ देंगे। इस पर हम रखेंगे पकने के लिए 4 गोल के पीस। ऑन स्टार्ट। ये चिकन इसमें डाल दिया है, अब इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे, इसको ढकेंगे करीब 1/2 घंटे के लिए। पक के तैयार हो चुका है, ये देखिए हमारा चिकन पक के तैयार हो चुका है बिल्कुल, और कितना अच्छा टेक्सचर और कलर आया है। अब हम गैस बंद कर देंगे,
और इसको ढक देंगे। हमने चारकोल पहले से गर्म कर रखा है। इसको हम एक कटोरी में डालेंगे, गैस बंद करके इसको एक कटोरी में उठा लेंगे। कटोरी में डालेंगे, इस कटोरी को हम हमारे हांडी के बीच में रखेंगे और इसके ऊपर डालेंगे अब हम घी। और इसको दोबारा से अच्छी तरह ढक देंगे करीब 5 मिनट के लिए। इसमें से हम ये चारकोल की कटोरी को हटा देंगे। इसमें बहुत ही अच्छा स्मोकी फ्लेवर आया है, देखिए देखने में कितना अच्छा है। अब हम इसकी प्रेजेंटेशन करेंगे। ये देखिए हमारी चिकन हांडी पक के तैयार है। अब इसको हरे धनिया से गार्निश कर देंगे इस तरह। और ये रही हमारी चिकन हांडी। इसको गर्मा गर्म रोटी के साथ सर्व करें।